तो हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका जो जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो पुराना पेपर होगा वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक वन ऑफ माय फ्रेंड जो इस फील्ड में, यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें आज जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर की जॉब कर रहा है। तो उसी से मैंने ये एक जो लास्ट ईयर का जो पेपर था पिछला, वो से मैंने पीडीएफ उसका मंगवाया, तो उसी का ये पेपर है, ठीक है। तो उसके इसके आंसर्स में मत जाना, ठीक है ना। हम खाली पर इस पेपर को दिखाने का मकसद ये कि अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पेपर था, जो पेपर हुआ है, उसका लेवल क्या है, थोड़ा तो वो देख लीजिए आप। तो पहली बात तो ये पेपर सिर्फ और सिर्फ वन लैंग्वेज में, दैट इज़ इंग्लिश, ठीक है ना। हिंदी में पेपर है ही नहीं, वो मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है। और सिंस जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड से बात की, तो उसने बताया मुझे कि जो इसका जो वर्किंग कल्चर है इस डिपार्टमेंट का, वो भी पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, ठीक है। तो देखो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर वन देखिए, उसमें देखिए जो ये पूछ क्या रहा है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट परसेंटेज ऑफ टू ग्रीन हाउस गैसेस दैट कंट्रीब्यूट द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। देखो अब जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग वाला वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, इवन आपकी एयर पोल्यूशन में भी नहीं है, लेकिन आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है ना इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग, तो उसका बेस जो बेस है ना, तो ये बेसिक पार्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये वैसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो ये जब आप अपने एयर पोल्यूशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे दिखाता हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आप रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल शुड बी स्टोर्ड इन कंटेनर शील्डेड विद, यानी कि जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है ना, उसको कौन से कंटेनर में रखना चाहिए, लेड के, प्लास्टिक के, स्टील के, मरकरी के, ठीक है। आंसर्स क्या है, मैं बोला अभी आपको आंसर्स मतलब हम डिस्कस नहीं करने वाले अभी अभी के स्टेज में, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो जैसे कि द डिटेंशन पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये अपना सीवेज का हो गया, ठीक है ना, उसका डिटेंशन पीरियड कितना होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, तो ये वो वाटर या सीवेज का ट्रीटमेंट है उसमें ये टॉपिक होएगा, ठीक है ना। फिर ये क्लियर ओपनिंग साइज ऑफ है ना कोर्स स्क्रीन का कितना होता है, ये भी इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया, कौन सा वाला, ये अपना सीवेज वाला। एफ बाई एम रेशियो, ये भी सीवेज वाला पोर्शन है, ठीक है। और विच वन ऑफ द नॉट कंटेन ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है ना, तो वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आंसर ए ही सही है इसमें, तो बाकी सब पता ही है। तो देखो इसमें आपको और एक चीज, हाँ एक न्यूमेरिकल भी देखो दिखने को मिल गया यहाँ पे, एफ बाई एम रेशियो का न्यूमेरिकल। तो इस पेपर से क्या होगा, हम चीज़ें पता कर लेंगे कि लास्ट जो पेपर में आया था, तो अगर हम उसको ही दिमाग में रख के पढ़ेंगे थोड़ा सा तो हमारे लिए आसानी रहेगी। देखो टाइप्स ऑफ सेटिंग इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक कैरी बैग है ना अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, तो देख लो ये प्लास्टिक जो है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका, उस वाले चैप्टर का पोर्शन है ये, लास्ट वाले यूनिट का पोर्शन, ठीक है। तो और देख लो ये द ग्रेट स्मोक 1952 वॉज फॉर्म ओवर द सिटी, कहाँ पे आया था ये, तो ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कि इस बार अभी अपना कोविड है ना कोरोना वायरस, तो उस स्ट्रेंथ पे कोई क्वेश्चन पूछ ले, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। रैपिड सेल फिल्टर का पूछ लिया आपसे, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द इंडियन ई वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम, कहाँ से होता है ई वेस्ट, आईटी कंपनी। देखो ई वेस्ट के बारे में आजकल सुनना है, ई मतलब क्या, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो आईटी कंपनी से निकलता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है ना। और आजकल जैसे कि ये ई वेस्ट का यूज़ भी अच्छी तरह से होने लगा है, कई इंडस्ट्री डेवलप हो गई है ई वेस्ट के ऊपर है ना, क्योंकि जैसे मान लो फ़ोन और लैपटॉप वगैरह होते हैं उनकी चिप होती है अंदर, तो चिप में गोल्ड का यूज़ होता है, तो उसको गोल्ड का भी यूज़ करने लगे। जैसे कि अभी जापान में आने वाले ओलंपिक्स में उन्होंने घोषणा की थी कि अपने जो मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गोल्ड के, तो वो उसी ई वेस्ट से निकलने वाला गोल्ड होगा, उससे मेडल बनाएंगे, तो एक अच्छा रिसाइकलिंग उसकी उन्होंने यूज़ कर लिया, ठीक है। और फिर राजस्थान इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द मिनरल,
ये देखो मिनरल का क्वेश्चन भी अब डाल दिया। अब सोचो मिनरल सिलेबस में है नहीं दिया क्यों, अब इसमें कुछ चीज़ें आएंगी ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है। और देन अगेन ट्रिकलिंग फिल्टर का क्वेश्चन आ गया ठीक है, और पी बाई रेशियो, ये देखो इसमें कुछ ये मैंने कहा था ना कुछ कुछ ना कुछ मैथमेटिकल भी आएगी जो आपके सिलेबस में दे रखी करण रासन जी की या कुछ रीजनिंग वगैरह, तो वो ठीक है। और टोटल केजल नाइट्रोजन वाला की मात्रा, ये बीओडी वाला एक न्यूमेरिकल है ठीक है, तो ये सारा जब पोर्शन करेंगे हम उसको कवर अप कर लेंगे ठीक है ना। एस्बेस्टस ये वाला जो वेस्ट है उसमें क्या होता है ठीक है ना, अगेन ये क्वेश्चन एनवायरमेंट वगैरह का ठीक है, यानी कि सीवेज या उसका, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें ठीक है ना। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट, कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसमें देखो मजे की बात क्या है, इसमें राजस्थान का जो जीके है राजस्थान का वो भी इंग्लिश में आ रहा है, देखिए ये बात समझ आ रही है आपको, इसमें जीके भी इंग्लिश में आ रहा है। अभी तक हम अगर पुराना पेपर का देखें तो नए पेपर में क्या होता है पता नहीं, लेकिन आप खुद देख लो इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है ठीक है ना, तो इसका हम कोई भी बेसिक ध्यान रखना है ठीक है। ये इम हॉफ टैंक वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो ये आपको जो बेसिकली देखो ये कोई ये पूरा पेपर इसमें दे रखा है एनजीटी है ना। देखो अभी जो मैंने अभी मैंने इस एक पहले वीडियो बनाया था मैंने कि एनजीटी हैज जोनल बेंच है ना, एनजीटी की कितनी जोनल बेंच, तो जोनल बेंच कितनी थी अभी कुछ समय पहले, पहला वीडियो था उसमें एनजीटी के बारे में बताया था मैंने, तो वन बेंच तो जो प्रिंसिपल बेंच है वो तो दिल्ली की, उसके अलावा चार और है ना, तो फोर जनरल बेंच होगा, 20 नहीं है, 20 तो उसमें मेंबर है ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें, ये एनजीटी का क्वेश्चन देखो यार आ गया जो अपन थोड़े पहले डिस्कस किया था, तो यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि भाई एनजीटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एनजीटी दोबारा क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसकी स्थापना कब की ये क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी आ रहा है ठीक है। तो यानी कि जो 120 क्वेश्चन है जो इसमें हम देखेंगे वही मेन क्रूशल है ठीक है ना, 30 क्वेश्चन जो है जीके और रीजनिंग के वो तो आप कर लोगे उसको ठीक है, तो बाकी क्रूशल जो है 120 क्वेश्चन है ठीक है। अब देख लो इसमें जीके क्वेश्चन देख लो, केवला देवी नेशनल पार्क इज नोन फॉर विच बर्ड, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, देखो इंग्लिश में राजस्थान जीके क्वेश्चन आ गया, जीके इसमें सम्मिलित है, ये न्यूमेरिकल आएगा क्वेश्चन का ठीक है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आएगा इसमें ठीक है। तो ऐसा लग रहा है देखो कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा हो वन लाइनर क्वेश्चन भी है, लेकिन कई क्वेश्चन बड़े भी हैं जिसमें आपको समय कंज्यूम होगा, कई लोग बोल रहे थे कि 3 घंटे का पेपर है और वन लाइन एनवायरमेंट का पेपर है, 3 घंटे में क्या करेंगे, करेंगे क्या, करने के लिए बहुत कुछ है ठीक है ना, तो वो आपको ये देखो कितने न्यूमेरिकल आ गए, तो ये एक न्यूमेरिकल और ये रहा, तो न्यूमेरिकल मैक्सिमम आपको बीओडी में मिलेगा आपका जो है ना इन्वायरमेंट का जो ट्रीटमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगा आपको ठीक है। तो इस तरह से ये जो देखो ये नॉट इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएंगी, तो इसको पेपर को अपने इजीली जब सॉल्व करेंगे इसको दोबारा पूरा सॉल्व कराएंगे, पहले सिलेबस होगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना, फालतू में अभी सॉल्व करने से क्या मतलब, जो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 देखो, दिख रहे हो पेपर की लेंथ को, क्वेश्चन लेंथ देखो पहले आप कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो ऐसे हवा में नहीं करना, जो पेपर है उसकी जो पेपर के अकॉर्डिंग बातें करेंगे, हवा बातें नहीं करेंगे, तो देख लो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है काफ़ी, तो इस तरह से ये जो पेपर 75 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो ये काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए ना। देखो अभी तक बीओडी सीओडी पे भी घूम रहा है, तो इतना कोई वो नहीं है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो अगर आप मेन पोर्शन है अगर आपको बीटेक में इन्वायरमेंट का, अगर आप वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट ढंग से पढ़ लो तो अराउंड देखें आप 30-40 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे ठीक है ना, और फिर एयर और जो नॉइस पोल्यूशन वहाँ से, तो जो मैंने आपको कहा था कि उस क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही सारे देख लो आप ठीक है ना, सारे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीडेशन वाला फिर बी सी ओ डी बी ओ डी वापस देखो, सी ओ डी बी ओ डी वापस दिख रहा है, बी ओ डी स्टार्टिंग में था अभी भी बी ओ डी घूम रहा है, तो दैट मीन्स ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ठीक है। और आगे देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया क्लॉक का ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे क्वेश्चन देखो वापिस सी ओ डी बी ओ डी, तो
वाला अभी भी दिख रहा है आपको, ठीक है ना। 130 यहाँ पे क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ही है इसमें भी। ये देखो फिन न्यूमेरिकल, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर वाज बोर्न इन द विच ऑफ सिटी, किस सिटी में पैदा हुए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछने क्या, तो कौन कहाँ पैदा हुआ, पर ठीक है कोई बात नहीं, पूछ ले तो पूछ लिया। तो आगे देखते हैं, ये हमारा वापस क्वेश्चन वही, वेस्ट वाटर जनरेशन नेशनल टेनरीज मीटर क्यूब पर टन में कितना होना चाहिए। ये लेकिन मेरे के लिए एक और मेरे के ऊपर पूछ लिया, लैंडफिल वाला, ठीक है। तो इस लाइक दैट वे मैंने कहा आपको कहा कि देखो लास्ट भी एंडिंग भी न्यूमेरिकल से हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला यानी कि इस पेपर में आप देखोगे 150 में से तकरीबन आपको 20 से 25 न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो एक अच्छा न्यूमेरिकल एक अच्छा क्रूशल वेटेज है, ठीक है। तो सिंस इस सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया, एक तो बुक बताई थी मैंने आपको, ठीक है। वो बुक आपके वन लाइनर क्वेश्चन के लिए ठीक रहेगी, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को और देखोगे तो उसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन के लिए वो बुक तो रहेगी रहेगी, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आपको इस इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो मेजर पोर्शन कवर करेंगे जिनमें क्वेश्चन खूब पुटअप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको एनालिसिस से मुझे ये पता लग रहा कि इन वाटर और जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो आने वाले क्लासेस में पहले मैं जो जो पोर्शन ज़्यादा वेटेज वाला है उसी को कवर कराऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो, ताकि सर न्यूमेरिकल वाले हैं ये इनको हम इजीली कवर अप कर सकें, ठीक है। फिर देन अपने सीवेज का ट्रीटमेंट कर लेंगे, फिर एयर और नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। और देन उसके बाद में अपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्मेंट वगैरह जो टॉपिक है इसको लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक मैंने आपको पेपर दिखा दिया, इसका जो लिंक होगा मैं अपने वीडियो के नीचे बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, पीडीएफ का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। ओके, थैंक यू।